दीमक का रूप ले लिया है जेएसएससी, और दीमक बन बन के यहाँ के छात्रों का भविष्य को चाट के भविष्य को बर्बाद कर रहा है और पीढ़ी बर्बाद कर रहा है। अब बताइए इस तरह का स्थिति रहेगा तो कितना मुश्किल होगा। जिस दिन हम लोग का धैर्य टूटेगा, छात्र का जनसैलाब आएगा, अपना पसीना झाड़ देंगे, तो ये जेएसएससी का कार्यालय बह जाएगा। जेएसएससी चोर है के नारे के साथ अब इस वक्त राजधानी रांची के जेएसएससी कार्यालय के बाहर है। हाई स्कूल शिक्षा नियुक्ति 2016 में जो प्रक्रिया हुई थी उसको लेकर आज घेराव का कार्यक्रम था। लोग आए थे, कुछ प्रतिनिधि अंदर भी गए थे, लेकिन बाहर आने के बाद इनका विरोध और बढ़ गया है। उनकी जो बातें थी उससे या शिक्षा के लिए असंतुष्ट है, उनसे बात करेंगे। इतने गुस्से में क्यों है त्रिपाठी? होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देवेंद्र क्यों इतने नाराज है और क्यों होश में आना है जेएसएससी को? आप देख सकते हैं तमाम छात्र को, आप लोग देख सकते हैं तमाम छात्र को, किसी का बाल पक गया, किसी का बाल झड़ गया, किसी का दाढ़ी पक गया, किसी का तोंद निकल गया। और इस उम्र में, जिस उम्र में बूढ़े माँ बाप को सेवा करना चाहिए, दवाई पहुंचाना चाहिए, इस उम्र में अपने भाइयों का सपना पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, अपना सपना को पूरा करके इस समय में बाल बच्चा को शिक्षा देना चाहिए। इस समय में यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ का बेरोजगारी जो है दीमक का रूप ले लिया है। और आखिर बेरोजगारी तो हर जगह है, लेकिन झारखंड का बेरोजगारी दीमक का रूप ले लिया है। और दीमक का रूप इसलिए ले लिया है कि यहाँ का जेपीएससी जेएसएससी जो है कि यहाँ का कमेटी के नाम से, यहाँ का नीति के नाम से और सेटिंग गटिंग के नाम से सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है। मैं बता दे रहा हूँ, आज जो तमाम छात्र आए हैं ये 2016 शिक्षक बहाली के छात्र हैं। 7 साल हो गया, 7 साल में पीढ़ी को, एक छात्र को कुल उम्र होता है परीक्षा देने का, और ये सारे जो है कि समय को बर्बाद कर दिया। आप बताइए, 7 साल समय बर्बाद कर दिया, तो इसलिए यहाँ के जेएसएससी एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, जो बार बार बुलाने के बावजूद जो नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, और बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, और एक जेपीएससी जो ज्यादा नंबर लाने वाले को डॉक्यूमेंट के कारण रिजेक्ट किया जा रहा है। तो बताइए आखिर ये जेएसएससी किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है? ना उसका रोल नंबर बता रहा है, ना कोई उसका लिस्ट जारी कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, और जो है कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है। जेपीएससी तो बदनाम था, समझ में आता है, जेएसएससी भी अब बदनामी के कगार में, ये उससे भी बड़ा घोटाला में जा रहा है। चूंकि जेपीएससी तो एक कम सीट रहता है, ज्यादा सीट तो जेएसएससी के पास है, और टोटल सीट को जो है कि यहाँ से गड़बड़ कर रहे हैं। और ये हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी कराया जा रहा है बिना रोल नंबर वालों को, वो सिर्फ और सिर्फ सेटिंग गेटिंग के तहत घुसाया जा रहा है। अगर नहीं तो ये रोल नंबर बताए, अगर ये जेएसएससी अगर सही है तो विशेष अधिकार है जेएसएससी कह रही है। अच्छा, विशेष अधिकार इसका पारदर्शिता के लिए नहीं होता है, विशेष अधिकार ईमानदारी से नियुक्ति करने के लिए नहीं होता है, विशेष अधिकार यहाँ के छात्रों के भविष्य के लिए नहीं होता है। 2015 से एक सीजीएल का फॉर्म भराया है, आज 2023 हो गया, आज पहला चरण पार नहीं किया, इसका अधिकार नहीं है वो। ये बहुत बड़ा दीमक का रूप ले लिया है जेएसएससी, और दीमक बन बन के यहाँ के छात्रों का भविष्य को चाट के भविष्य को बर्बाद कर रहा है और पीढ़ी बर्बाद कर रहा है। अब बताइए इस तरह का स्थिति रहेगा तो कितना मुश्किल होगा। यहाँ के बाल बच्चा लोग शिक्षा देना नहीं चाहेंगे, क्या करिएगा? आज हम मांग करते हैं कि जो पहले नहीं आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दो दो बार बुलाने के बावजूद उसके पीछे आप काहे पड़े हुए हैं, और फिर भी उसी को नौकरी देना चाहते हैं? और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो मेरिट का दावा करता है, और इसको देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो आप बताइए किसको किसको करा रहे हैं, आप रोल नंबर जारी करिए, अन्यथा जेएसएससी को हम लोग ईट से ईट बजा देंगे। छात्र हम लोग को कोका बोका लेका नहीं समझे, हम लोग सीधा साधा है। लेकिन जिस दिन हम लोग का धैर्य टूटेगा, छात्र का जनसैलाब आएगा, अपना पसीना झाड़ देंगे,
तो ये जेएसएससी का कर्जा बह जाएगा और इसका एक एक सीट गिर के खत्म हो जाएगा।